तो फाइनली आज डे 4 है शादी का और आज मेहंदी फंक्शन है, आपको दिखाते हैं आज क्या क्या हुआ मेहंदी फंक्शन में, सब कुछ आपको बताएंगे। तो कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहे बिकॉज आज साउंड उनका ठीक है, जो भी मैनेज कर लेना। तो चलो आपको बताते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेटअप लग रहा है मेहंदी का सारा कुछ, और यहाँ पे कैमरा वाले भैया आए हुए हैं और पूरा मेहंदी का पूरा सेटअप अच्छा सा है। और अभी सब लोग रेडी वेडी होके आएंगे, चेयर वो सेट करेंगे और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी देखो आगे क्या क्या होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा, तैयारी आ रहा तो सब कुछ बताऊंगा। कंटिन्यू बने रहो और ढेर सारा प्यार देना ब्लॉग को। सो फाइनली आप मेरा लुक देख सकते हैं कैसा है, कमेंट करके बताना। पसीना ज्यादा मुझे आता है, आई डोंट नो, पर बहुत ज्यादा पसीना आता है वो दिखा रहे। कैसा सेटअप है सब कुछ दिखाते, कितना मस्त बन के रेडी हो गया। और मेहंदी का ब्लॉग कैसा है आई डोंट नो, बिकॉज कैसे सब रिकॉर्ड करेंगे तो आपको जो भी है थोड़ा मोड़ा दिखाएंगे, बट कंटिन्यू बने रहो। और ये देखो सबसे खूबसूरत हो जाए, ओ बाप रे बहे हैं गजब। इधर ऑलमोस्ट सब रेडी है, सब भाभी सब हाँ, और इधर चाची एकदम चाची हीरोइन लग रही है आज, चाचा का दिल आ जाएगा। और इधर देख सक दिखा दीजिए अगेन, और इधर सिमी, इधर भौजी हटो हटो हटो, इधर बड़का भैया घर दुआ के बड़का भैया देखे। सारा फ्रेंड्स है, भतीजा सब है, और इधर बंदरिया को देखिए, बाप रे बाप, पूरा एकदम हमारी दहेजुआ माल है, दहेजुआ साली है। और इधर हमारा लल्ला, हमसे पहले इसी का ब्याह होगा। और ये आप सेटअप देख सकते हो, कुछ ऐसा सिंपल सा सेटअप है, आप लोग के शहर में कुछ अलग होगा बट मेरे यहाँ सिंपल सेटअप है। और एक हमारा लाल पीला हरा नीला बेटा भौजी जी, उधर बाप सब बैठे हुए हैं, बाबू जी सब उधर बैठे हुए हैं, और हमारे टकलू बहनोई जी और अभी देखते क्या क्या आता है। और आप देखो और आए क्या, यही लोग शूट करेंगे, कुछ ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा वीडियो आएगा, ढेर सारा प्यार देना। चलिए हम आएगी सेटअप का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा एंट्री का शूट हो रहा है और काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ऐसे सब कुछ हो रहा है और मुझे बहुत मजा आ रहा है अपना शूटिंग करवाते हुए, बिकॉज सबको आता है यार, आगे बहुत कुछ मजा आने वाला है तो देखो। और मैं स्टेज पे आते ही धूम मचाने लगा अपना, खूब सारा ढेर सारा एंजॉय किया, आप लोग देख ही सकते हो कितना एक्साइटमेंट हूँ मैं मेहंदी के लिए, और बहुत ज्यादा मस्ती किया और क्या ही मैं बताऊँ। फिर हमारा आधा मेहंदी हो चुका था कम्प्लीट, फोटो सेशन चल रहा था और सब लोग खाने पीने चले गए थे, भीड़ भी बहुत कम हो गया था, बट मैं अपना फोटो सेशन कैसे छोड़वा सकता हूँ यार, ये लाइफ में फर्स्ट बार ऐसा होता है एक्सपीरियंस और मैं छोड़ दूँ ऐसा हो नहीं सकता। तो बहुत सारा मस्ती किया, बहुत मजा आया, डांस भी किया, आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाएंगे, तो चलो आगे देखते हैं। सो इस प्रकार हमारा मेहंदी फंक्शन खत्म हुआ, समाप्त हुआ बिकॉज खत्म नहीं, और बहुत सारा डांस भी किए मेरे साथ, मेरे पार्टनर जो थे डांस पार्टनर साहुल सुता थे साहुल सुता थे, बहुत सारा मस्ती गए बिकॉज क्लिप तो मैं ले नहीं पाया, मेरा हाथ तो मेहंदी लग रहा था, इन लोगों को मैंने दिया था मोबाइल लेके अपना फोटो शूट। तो जो भी हुआ थोड़ा मोड़ा दिखाते हैं और आपको बताएंगे, बाकी ब्लॉग और करेंगे समाप्त। अभी हमारे साथ बने हुए कुत्ता बिलाई यही है अभी जी, इनका इंस्टा हैक हो गया पता नहीं कैसे, मार कुत्ता मार छोड़ी पटाता है, मार छोड़ी पटाता है। दहेज मेरे फूफा का दहेज जाएगा पानी में, काहे की प्योर लौंडिया बाज है क्या ब्रो, एकदम 199% लड़का लोग के साथ नहीं डांस करेगा, खाली औरत सब के साथ डांस करेगा, भाभी लवर, भाभी लवर, भाभी लवर, सो कॉल्ड और यहाँ पे आपको पलटा देखने को मिलेंगे, अतरंग स्टाइल में एकदम हाथी हाथी लगा। और यहाँ पे सब पार्किंग वर्किंग है और डेकोरेशन का तो जय जय हो गया, आप देख सकते पीछे मेहंदी डेकोरेशन। तो आज फाइनली आज लास्ट हम बैचलर आज के दिन, बाकी अब कल तो बलि का बकरा बनना ही है,
और क्या ही कहूँ, मैं थोड़ा हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं पता और हो सके तो जिंदगी में दोबारा कभी शादी मत करना, कभी शादी मत करना, कभी शादी मत करना। जिंदगी झंड हो जाता है, बहुत घमंड रहता है पर जिंदगी झंड हो जाता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ शादी मत करना। जनगणना के लिए आए हो, रजिस्ट्री एंट्री करवाओ, जनगणना करके जाओ। तो चलो गला बैठ रहा, सुबह 4 बजे से बीत व्यवहार, ज्यादा ब्लॉक कर नहीं पाऊंगा, सुबह 4 बजे से बीत व्यवहार वो करता हूँ। और जो भी है आप कंटिन्यू बने रहो, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।